हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज मैं शेयर करने वाली हूं अपना ब्लॉग आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट तो बने रहिएगा एंड तक कुछ भी अच्छा लगे मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक देना मत भूलिएगा आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा एंड फर्स्ट टाइम वॉच करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक यू एवरी फॉर सपोर्टिंग मी सो मच लव टू ऑल माई व्यूवर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स तो फ्रेंड्स सुबह का सारा कुछ काम हो चुका था और नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया था अभी कपड़े वगैरह मैंने डाले मशीन में हे hey एवरीवन अभी मॉर्निंग के बच चुके हैं ग्यारह और कपड़े मैंने सारे कुछ धो लिए थे मशीन में चल रहा है एक्चुअली बाथरूम में ही लगा रहता है मशीन वहा कोई बाथरूम यूज नहीं करता है वो वाला बाथरूम तो वही मैं मशीन रख दी हूँ कपड़े धोने का और अभी कपड़े धुल चुके हैं बस मैं उसको अभी ड्राई कर रही हूँ में सुखाऊंगी अभी काफी ज्यादा धूप फ्रेंड्स मैंने रात में ओवरनाइट सोक करके रखा था चना वो अच्छे से फूल चुका है सबसे पहले उसको प्रेशर कुक करूंगी तो साथ ही साथ कपड़े ड्रायर हो रहे हैं फ्रेंड्स और मैं थोड़ा सा लंच प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि रोशनी की अभी छुट्टी चल रही है तो जल्दी खाना पीना भी हो जाता है तो ये रात भर सोख किया हुआ चना है इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा नमक डालकर पानी डालकर मैं इसको चढ़ा दूँगी पाँच से छः विसल आने तक इसको पकने दूँगी और जब तक ये पक रहा है मैं थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ मैंने एक ही साथ थोड़ा सा प्याज और साथ में अदरक लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया है बिल्कुल फ़ाइन सा तो कुकर में मैंने पाँच से छः सीटी लगा ली थी और स्टीम निकलने के बाद इसको चेक कर लेते हैं चने बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होते हैं तभी इसका टेस्ट आता है क्योंकि जब तक चने छोले सॉफ्ट नहीं होते ना तो उसमें नमक मसाले का जो टेस्ट है अंदर तक नहीं जाता है तो अच्छे से ये पक चुके हैं बिल्कुल सॉफ्ट से हो चुके हैं बस इसको अभी तड़का लगाऊंगी तो बस पैन मैं निकाल रही हूँ और जैसे प्याज वगैरह मैंने ऑलरेडी कट करके रख ही लिया था प्याज अदरक लहसुन को एक साथ वैसे तो प्याज जो है ना पेस्ट अगर आप डालते हो तो उसका जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है तो आज मैंने सोचा चलो बारीक कट करके ही डाला जाए बट हाँ ज़्यादातर मुझे जो पेस्ट का जो यूज़ करती हूँ ना उसका जो टेक्स्चर आता है सब्जियों में वो ज़्यादा पसंद है तो बस मैंने थोड़ा सा तेल डाला है जीरा को पकने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज अदरक लहसुन इन सबको ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर का प्यूरे तो एक टमाटर को मैंने इस तरह से प्यूरे कर लिया था और इसको ऐड किया है चाहे तो ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं और जैसे कि मैं लास्ट में अमचूर डालने वाली हूँ इसीलिए एक ही टमाटर का मैंने यूज़ किया है प्यूरे का और इसके बाद हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर साथ में धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड करने वाली हूँ और क्रश करके थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे जब आपका मेथी जैसे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स तो हल्का सा तवा में भी उसको भून सकते हैं और अच्छे से क्रश करके डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है तो इस तरह से भी कई बार होता है ना रखे रखे डब्बे में भी वो सीलन सी हो जाती है तो हल्का सा तवा में या आप चाहे तो थोड़ा देर आप माइक्रोवेव करके कसूरी में थी अच्छी सी हो जाती है तब आप यूज़ कीजिए तो और अच्छा लगता है टेस्ट इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा पानी और मसाले को अच्छे से बिल्कुल पकने दूंगी तो ढककर मैंने मसाले को कुक कर लिया था और अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो जाता है तब इसमें ऐड करने वाली हूँ ये चने तो इसमें एक्चुअली दो तरह के चने हैं एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन है फ्रेंड्स एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन है मैंने एक ही डब्बे में मिक्स कर दिया था इसलिए आपको थोड़ा सा कलर अलग लगेगा बट हाँ चने तो चने ही है थोड़ा सा लाइट या कलर में थोड़ा सा फर्क है बस और इसको ऐड कर दिया है हल्का सा पानी ऐड किया है और इसमें मैं ऐड करूंगी एक से डेढ़ चम्मच छोटे चम्मच बिल्कुल अमचूर ऐड करूंगी इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और जैसे आपको अमचूर नहीं डालना है तो आप टमाटर का पेस्ट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसलिए मैंने टमाटर थोड़ा यूज़ किया था पहले और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी एवरेस्ट का छोले मसाला तो लोग मुझसे पूछते मैं कौन सा मसाले यूज़ करती हूँ तो मैं एवरेस्ट का मुझे खास करके ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स एक तो कलर भी अच्छा आता है साथ में टेस्ट भी अच्छा रहता है बाकी सारे मसाले भी मैंने टेस्ट किया है बट हाँ एवरेस्ट ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे और इसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक कर रख दिया है इसको कम से कम दस से बारह मिनट कुक करेंगे या जब तक चने और भी अच्छे से टेस्ट ना आ जाए सारे मसालों का तब तक तो एक तरफ ये पक रहा है फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं एक और तैयारी करने वाली हूँ एक और सब्जी की तो मेरे पास लौकी है उसकी एक बनाने वाली हूँ कोफ्ता करी मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते लौकी मुझे और रोशनी को ज्यादा पसंद नहीं है फ्रेंड्स बट हाँ पापा खा लेते हैं बट मुझे और रोशनी को लौकी हुआ कद्दू हुआ ये ज्यादा पसंद नहीं है तो आज मैं लौकी का कोफ्ता बनाने वाली हूँ और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है जो लौकी नहीं भी खाते हैं ना वो इस तरह से खा सकते हैं और बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है तो सबसे पहले मैं लौकी का मसाला जो होता है ना उसकी तैयारी करने वाली हूँ तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला है कढ़ाई में और इसको गर्म होने देते हैं इसके बाद मोटे टुकड़े में कटा हुआ ये प्याज डालूंगी साथ में अदरक है और लहसुन है तो ये करीब दो प्याज है थोड़ा सा लहसुन और साथ में अदरक है इन सबको एक ही साथ मोटे टुकड़े में ही चॉप कीजिए क्योंकि ये भुन जाने वाला है बाद में इसको हम पीसेंगे तो इसीलिए इसी तरह से डाल दीजिए और इसके बाद अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी दस से बारह काजू ऐड किया है इसको भी अच्छे से अब मिक्स करके पका लेंगे साथ ही साथ तो प्याज का कलर हल्का सा जो चेंज होने लगा है फ्रेंड्स और सारा जो अदरक लहसुन अच्छे से कुक होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो मीडियम साइज़ के टमाटर और इसको भी थोड़ा सा कुक करेंगे साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और इसमें हल्का सा हल्दी ऐड कर लेंगे नमक ऐड करने से क्या होता है ये अच्छे से थोड़ा सा टमाटर ना घुल भी जाएगा तो इसको अच्छे से मैं पका लूँगी तो बिल्कुल थोड़ा सा ही अभी नमक ऐड करना है अच्छे से इसको पकाना है जो भी कच्चापन है ना हल्दी वगैरह का वो हट जाना चाहिए या तो आप ढक कर भी पका सकते हो और एक तरफ मैं चना देख लेती हूँ तो चना पक कर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स और इसमें ऊपर से मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया है और इसको बस अभी ढक कर रख दूँगी तो ये जो मसाला बनने वाला है एक्चुअली करी के लिए होने वाली है जो मैंने प्याज वगैरह भुना है उसके लिए तो चना तो बन चुका है और एक तरफ ये जो करी वाला जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ना एक्चुअली इससे करी बनने वाली है कोफ्ता की करी तो इसको निकाल लिया मैंने प्लेट में अच्छे से कच्चापन जो है ना हटने तक आपको पकाना चाहिए वरना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बस इसको पीसूँगी मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेने से ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट जाता है जो भी दाने वगैरह हैं ना जो नट के यानी जो काजू वगैरह के उसके नहीं आने चाहिए बिल्कुल स्मूथ सर जब आप खाओगे तो जैसे कि जो है ना बटर पनीर वगैरह खाते हो उसका टेक्सचर आता सेम वैसे ही आने वाला है फ्रेंड्स और इस तरह से मैंने बिल्कुल पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल फाइन सा पेस्ट होना चाहिए इसका तो इस तरह से ये पेस्ट तैयार है और ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है फ्रेंड्स और इसी तरह से आप ना फ्राई करके पनीर का भी बना सकते हो बटर वगैरह ऐड करके भी जैसे कि बटर पनीर भी आपका बनकर तैयार हो जाता है इसी तरह से बहुत ही सिंपल है इसके बाद जैसे करी के लिए तो हमने मसाला तैयार कर लिया है और लौकी जैसे ये फुल लौकी है काफ़ी बड़ा है तो इसमें से मैं आधा ही यूज़ करने वाली हूँ तो ऊपर का स्किन मैंने निकाल लिया है और इसके बाद मैं इसको ग्रेट कर लूँगी आधे लौकी को जैसे कि चना लौकी भी खा लेती है रोशनी बट हाँ ऐसे ही अलग से अगर लौकी की सब्जी बनाओ ना तो उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है एक कोकोनट वाली लौकी होती है जिसमें डाल के कोकोनट वगैरह वो भी अच्छी लगती है उसको तो इस तरह से ग्रेट करने के बाद इसका काफ़ी हद तक ना आपको पानी निकाल देना होता है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया है और इसमें दो मीडियम साइज़ के आलू अच्छे से साथ में मिक्स कर देना है तो आलू को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया था इससे क्या होता है ये बाइंडिंग हो जाएगा तो आलू भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा बॉईल किया हुआ अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आप चाहे तो बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हो तो थोड़ा सा मैंने वन टी के करीब इसमें ऐड किया है तो लौकी को निचोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अपने में इसका इतना ज़्यादा पानी होता है ना जब पानी ज़्यादा होगा तो आप जो कॉर्नफ्लोर मैदा भी ज़्यादा यूज़ करेंगे और टेस्ट सिर्फ मैदा कॉर्नफ्लोर का ही आने वाला है इसलिए निचोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल हल्का सा पानी रहे चलता है और इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें मसाले जैसे कि मिर्च पाउडर है नमक है स्वाद के हिसाब से और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ये करीब दो चम्मच के करीब है और एक चम्मच अभी फ़िलहाल मैंने मैदा ऐड किया है और इसमें धनिया पत्ता ऐड करके इसको अच्छे से करेंगे अगर लगे कि आपको ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें और मैंने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है जिससे कि अच्छी से ये बाइंडिंग हो जाए आलू भी बाइंड करता है और साथ में ये कॉर्नफ्लोर वगैरह भी बाइंड करेगा और इसमें आप मिर्च मसाला हरी मिर्च भी डाल सकते हो अपने हिसाब से और इसके बाद बस थोड़ा सा तेल अच्छे से बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम किया है थोड़ा सा डालकर मैंने चेक कर लिया बॉल्स अगर अच्छे बन के निकल रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट है टेम्परेचर तो अगर नहीं लगे कि बॉल फट रहे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मैदा या कॉर्नफ्लोर और इसके बाद बस तेल बिल्कुल गर्म किया था और छोटे बड़े जैसे भी बॉल्स इस तरह से बनाते जाइए और तेल में डालते जाइए फिर थोड़ी देर बाद आपको स्लो टू मीडियम कर देना है या मीडियम फ्लेम पर इसको तल लेना है टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई ये रखना होगा और इस तरह से मैंने सारा कुछ जो है ना कोफ्ते को फ्राई कर लूँगी एक तरफ से होने के बाद ही हल्का सा पलटिए ऊपर में हल्का हल्का गरम तेल भी ऐड करने से जो आपके कोफ्ते पकोड़े वगैरह ना अच्छे बनते हैं तो इस तरह से अच्छा सा कलर आ चुका है मीडियम फ्लेम पर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कुक करने से ये अंदर तक भी पक जाएगा और ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स और इसमें पता ही नहीं लगता है कि आपने इसमें लौकी डाली है आप इसी तरह से पपीता वगैरह का भी कर सकते हो तो बस ये कोफ्ते बनकर तैयार है और इसके बाद जो करी है ना वो तो फटाफट से बन जाती है अब मैंने ऑयल डाला है एक दूसरे पैन में इसको गर्म करते हैं सारे ही जो खड़े मसाले हैं ना तेज पत्ता लौंग इलायची काली मिर्च दालचीनी जीरा वगैरह इन सब को पकने देते हैं और जब ये पक जाए तब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये जो प्याज टमाटर वगैरह काजू का जो करी था ना जो पक चुका था ऑलरेडी पिसा हुआ वो ऐड कर लेंगे और जिस तरह से मैं ये करी बना रही हूँ ना लौकी के कोफ्ते के लिए आप इसी तरह से फ्राई पनीर के साथ भी इसको बना सकते हो तो हल्का सा जो पानी मैंने ऐड किया था मिक्सी जार में उसी में डाल दिया है थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर स्वाद के हिसाब से अब बाकी का नमक ऐड करेंगे और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कसूरी मेथी जो कि मेरा फेवरेट है मैं अक्सर डालती हूँ आपने देखा ही होगा कुछ भी डिश का अच्छा सा टेस्ट लाना है तो आप कसूरी मेथी का यूज़ कीजिए अच्छा सा टेस्ट आ जाता है अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही ऐड किया है फेटा हुआ दही था एक्चुअली मेरे पास उसको मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा टेक्सचर और भी अच्छा आ जाता है फ्रेंड्स और इसको स्लो फ्लेम पर मैंने 10 से 15 मिनट कुक किया है या जब तक ये अच्छे से ऑयल सेपरेट ना कर दे बीच बीच में आपको चलाते जाना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स वरना ये जो काजू का पेस्ट वगैरह होता है ना नीचे स्टिक हो जाता है बॉटम पैन में और जल जाता है इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है एक छोटे ग्लास के करीब थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है अब दोबारा से इसको ढक कर ये करी को हम पकाने वाले हैं पाँच से सात मिनट के लिए या जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और इसका देख सकते हो क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है इसके बाद आप फ्राई किया हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैंने मलाई ऐड किया है जिससे इसका स्मूदनेस आएगा बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा तो फ्रिज में रखी हुई जो गाढ़ी वाली मलाई होती है ना थिक वाली उसको मैंने ऐड किया है करीब एक बड़े चम्मच के करीब तो मलाई ऐड करते वक्त आपको फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि मलाई बस हमें इसमें मेल्ट करना होता है या जो अमूल फ्रेश क्रीम डालकर आपको बस मिक्स करना होता है तो इसमें आपको पकाना नहीं होता है इस समय तो बस मैंने धीम पता ऐड कर दिया कोफ्ता करी बनकर तैयार है कोफ्ता मैं बाद में डालूँगी सर्व करते समय आप चाहे तो अभी खाना चाहते हो तो तुरंत कोफ्ता डालकर सर्व कर सकते हो बट मैं बाद में अभी पूरी वगैरह बनाऊंगी तो एट अ टाइम कोफ्ता करी जैसे है ना करी डालने के ऊपर फिर कोफ्ता डाल दीजिए क्योंकि ये कोफ्ते इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि आपके बिल्कुल घुल जाएंगे अगर आप पहले से ही डाल लोगे तो मैंने पूरी का आटा तैयार कर लिया था फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक डालकर तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डाला था और पानी डालकर थोड़ा सा सेमी हार्ड सा डो तैयार करके रख लिया था दस मिनट इसको रेस्ट करने दिया और बस अब पूरी सेकने वाली हूँ तो कोई भी आटा हो पूरी का या कुछ भी रोटी वगैरह का भी आटा तैयार करते हैं तो हल्का सा रेस्ट करने दे देते हैं ना तो वो आटा अच्छे से सेट हो तो के अच्छा बनता है फिर और इसके बाद तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी थी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी जो पूरी है ना ऑलरेडी बेल ली थी बस इसको कर लेते हैं तल लेते हैं पूरी को और इस तरह से बस तैयार हो जाएगी और दो तरह की ऑलरेडी सब्जी है तो ये जो कोफ्ता करी मैंने बनाई है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं मैं सर्व करती हूँ तो ये चना मसाला आप देख सकते हो जो भी थोड़ी बहुत जो करी थी ना वो भी चना ने सोख लिया है बट हाँ काफ़ी ज़्यादा मसालेदार चने बने हैं और साथ में पहले मैंने करी डाली थी उसके ऊपर कोफ्ते ऐड किए थे तो अगर सर्व करते हो ना तो करी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा फिर कोफ्ते को उसके ऊपर डालिए तुरंत ये सोख करता है ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से थोड़ा सा क्रीम मैंने ऐड कर दिया तो ये है आज का हमारा लंच फ्रेंड्स और जैसे कि ये कोफ्ता करी है ना जो लौकी के कोफ्ते हैं इसको आप जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो बट आज मैंने चावल नहीं बनाए थे बट उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और पता ही नहीं लगता है इसमें लौकी कहाँ गया और बस इसके बाद दादाजी को रोशनी दे दे रही है खाना और मैं इसके लिए भी अभी लगा दूँगी और मैं भी आज टेस्ट करने वाली हूँ कैसा बना है कोफ्ता करी तो रोशनी को भी मैंने खाना लगा दिया था और इसके बाद मैं भी अपना खाना खा रही हूँ और ये जो कोफ्ते की सब्ज़ी बनी थी ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी बस इसमें थोड़ी सी चावल की कमी थी जीरा राइस होता तो मज़ा ही आ जाता वैसे तो हर कोई अपने खाने को अच्छा ही बताता है बट डेफिनेटली ट्रस्ट में आप जब इसको बनाओगे ना तो आप बोलोगे सच में पता ही नहीं लग रहा है कि ये लौकी कोफ्ते बिल्कुल शाही सा टेस्ट आने वाला है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स कपड़े वगैरह ऑलरेडी ड्रायर हो चुके थे आज यहाँ से धूप चली गई है बट हाँ कपड़े जल्दी सूख जाते क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है तो गर्म हवा सी भी चल रही है तो आज काफ़ी सारे कपड़े थे सुबह ही मैंने जो है ना नाश्ता करने के बाद ही मशीन को चला दिया था और बेडशीट वगैरह थे मैंने जो चेंज किए थे उसको बाद में ही एक्चुअली धोया था और इसके बाद पापा के कपड़े भी काफ़ी सारे थे रोशनी के स्कूल ड्रेस वग़ैरह थे क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अब कुछ दिन छुट्टी है तो स्कूल ड्रेस वग़ैरह सारा कुछ मैंने वॉश कर लिया था और इसके बाद ये थोड़ा सा टेबल कवर वग़ैरह था उसको मैंने ठीक ठाक कर दिया फ्रेंड्स और मेरे घर में कोई भी मेड नहीं है सारा कुछ काम मैं खुद से ही करती हूँ इसके बाद जो भी लंच के जो बर्तन थे ना जो भी कुछ मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था और इसके बाद किचन का काम करने के बाद सारा कुछ निपटाने के बाद मैं आ चुकी थी थोड़ी देर रूम में और इसके बाद थोड़ी देर मैंने रोशनी के साथ टी देखी तो रोशनी तो अपना कार्टून वगैरह देखती है अपना फेवरेट किड शो वगैरह देखती है बट मुझे ना सीरियल वगैरह अच्छे नहीं लगते सास बहू की लड़ाई और ड्रामा वगैरह शुरू से मुझे पसंद नहीं है मैं सिर्फ गाना सुनती थी शुरू से मुझे वो पसंद थे और साथ ही साथ जैसे कि मुझे अच्छा लगता था थोड़ा बहुत कॉमेडी अच्छा लगता है और साथ कुछ में कुछ जिसमें से सीखने को मिले उस तरह की चीज़ें जो टी वी में वॉच करना अच्छा लगता है वैसे मैं टी वी कम ही देखती हूँ और गाना सुनना ये तो मेरा फेवरेट है इसके बाद मेरा एक पार्सल आया था फ्रेंड्स मैंने मीशो से ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था स्टेनलेस स्टील का इसे आप किचन में रख सकते हो जिनका किचन छोटा होता है ना जैसे मेरा भी छोटा है तो इस तरह के आप ऑर्गेनाइज़र रखा कीजिए जिसमें कि की आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं ये टू टायर वाला है अब मैं चलती हूँ किचन की ओर कुछ बनाने जैसे होली में है ना फ्रेंड्स रंग खेलने के बाद मन करता है गुजिया दही बड़े और ये मालपुआ वगैरह खाने का तो आज मैंने सोचा कि चलो काफी दिन हो गए हैं मालपुआ नहीं बनाई हूं तो आज बनाती हूँ मैं और किस तरह से मैं बनाती हूँ आप लोग भी बनाते होंगे क्योंकि ये तो सब जगह कॉमन है ये गुजिया मालपुआ सारे ही घर में बनता है अभी फेस्टिवल जो मूड चल रहा है ना तो सारे ही सभी के घर में बन रहा है तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं आज काफी दिन बाद तो सबसे पहले मैंने लिया है ये आधा किलो के करीब फुल क्रीम वाला मिल्क है फ्रेंड्स दूध और इसको अच्छे से बिल्कुल गाढ़ा होने तक मैं पकाऊंगी तो ये आधा किलो के करीब ये दूध है फ्रेंड्स इसको मैंने गाढ़ा कर लिया था ये आधा रह चुका है तब मैं इसमें डालूंगी ये खोहा मैंने इसे घर पर ही बनाया था फ्रेंड्स इंस्टेंट खोआ है इसीलिए और आप चाहे तो इसमें जो भी मार्केट वाला खोआ भी ऐड कर सकते हो खोया ऐड करने के बाद मैंने करीब इसमें आधी कटोरी के करीब खोया ऐड किया है और इसको तब तक पकाया जब तक दूध और थिक ना हो गया है और इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है दूध को और ये रबड़ी जैसी बन जाती है तो आज मैं मावा वाली जो मालपुआ होती है ना जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वही बनाने वाली हूँ तो इसके लिए अब मैं चाशनी बनाने वाली हूँ एक तरफ ये जो दूध वाला जो है ना रबड़ी वो थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद और भी तो मैंने चाशनी के लिए एक पैन में एक बड़े बोल के करीब शक्कर ऐड किया है और सेम मेजरमेंट में मैंने एक बोल के करीब पानी ऐड किया है दोनों इक्वल रेशियो में और इसमें थोड़ा सा इलायची ऐड कर दिया है तोड़ के आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हो बट मेरे पास केसर नहीं था मैंने इलायची को तोड़कर ऐड किया है और इसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकने दिया था एक तार की चाशनी बस बन चुकी है और इसको बंद कर देंगे जब आप इसमें मालपुआ ऐड करते हैं ना तब आप इसको दोबारा से गर्म कर लीजिएगा चाशनी को तो अभी फिलहाल मैंने चाशनी को एक तरफ रख दिया है और ये जो मावा वाला जो दूध है ना अच्छा खासा ये थिक हो चुका है बाकी को मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि वो सेट हो जाए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया ऊपर में डालने के लिए मालपुआ के ऊपर और बाकी का जो ये है ना थिक वाला जो रबड़ी है इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मैदा तो एक बोल में मैंने थोड़ा सा अलग से रबड़ी रख दी है और बाकी का जो है ना इसमें जो ऐड कर लेती हूँ मैं मैदा ज़रूरत के हिसाब से ऐड कीजिएगा क्योंकि कई बार काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो अच्छे नहीं बनते सॉफ्ट नहीं बनते और ये खोआ वाला जो मालपुआ होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने इसमें तीन चम्मच के फ़िलहाल अभी डाला है छोटे चम्मच के करीब इसमें मैदा ऐड किया है ये रबड़ी में और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तो इसमें मैंने एक चम्मच और छोटे चम्मच मैंने मैदा ऐड किया था और इसके बाद तो टोटल चार छोटे चम्मच करीब लगा है मुझे और ये थोड़ा सा मुझे थिक लगा तो मैंने इसमें हल्का सा दूध ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए इलायची का पाउडर ऐड कर लिया अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरह से जो है ना घोल जो है बैटर तैयार हो जाना चाहिए पैन में घी को गरम किया है फिर आप इसमें डालिए और फिर मीडियम फ्लेम पर इसको तल लेना है कि जल्दी से कुक हो जाता है और इस तरह से एक कोई भी जो चमचे से बड़े चमचे से डालिए एक ही साथ और मैंने घी में इसको सेका है घी में ही मालपुआ का टेस्ट आता है फ्रेंड्स और तेल में अगर करते हैं ना तो उसका टेस्ट उतना ज़्यादा टेस्ट ही नहीं लगता घी की जो खुशबू होती है मालपुआ में ये मावा वाला मालपुआ है तो बहुत अच्छी बनती है तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको पलटते हो जब एक तरफ हो जाए ना तभी आप इसको पलटना है और ये अच्छा सा कलर आ चुका है मालपुआ में और इसे मैंने डाल दिया है चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया इसके ऊपर डाल दिया है इसको थोड़ी देर रहने देंगे ताकि अच्छे से जो चाशनी है ना सुगर सिरप ये सोक कर लेगा इसी तरह से मैंने बाकी का मालपुआ जो है ना अच्छे से फ्राई कर लिया है और शैलो फ्राई करना है आपको अच्छा सा कलर आने तक तो घी में कीजिएगा अच्छा सा टेस्ट आने वाला है तो इसी तरह से मैंने बाकी का जो मालपुआ है ना वो सेक कर डाल लिया था चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए और साथ ही साथ इसको इस तरह से टिप कर दिया था पलटते हुए थोड़ी देर इसको रहने देना है ये अच्छे से सिरप को सोख लिया है फ्रेंड्स इसके बाद सबसे पहले मैं भगवान जी का निकाल लेती हूँ मैंने प्लेट में निकाला है भगवान जी के लिए और ऊपर से थोड़ा सा रबड़ी ऐड कर दिया था थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने जो है ना कतरन ऐड किया था आलमंड का यानी बादाम का अगर आपके पास पिस्ता है ना तो उसको ऐड कीजिए थोड़ा सा पिस्ता को ब्लांच कर लीजिए उसको ऐड करेंगे तो लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है तो मेरे पास बादाम है मैंने उसी से काम चला लिया इसके बाद मैंने भगवान जी को भोग लगाया उनको रख दिया था और इसके बाद जो है ना हम लोग भी टेस्ट करने वाले हैं तो ये फाइनल प्लेटिंग करती हूँ ये मालपुआ बनकर तैयार है और टेस्ट करते हैं अभी ये कैसा बना है और अच्छा ही बना होगा इति <laughs> फिर भी ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैं बना रही तो फ्रेंड्स पापा को मैंने दे दिया था उनको तो बहुत ज्यादा पसंद आया था वैसे भी पापा फूडी है उनको सब तरह का खाना चल जाता है और मीठा वगैरह वो खा लेते बट मैं और रोशनी ना मीठा नहीं खाना पसंद करते थोड़ा ही खाते हैं हमारे घर में अगर स्वीट आता है ना तो हम दोनों जन थोड़ा ही खाते हैं ज़्यादातर पापा खा के खत्म करते हैं तो पापा अच्छा खासा सारा कुछ ही जो टेस्ट है ना उनको पसंद आता है फ्रेंड्स फिर हम लोगों ने भी इन्जॉय किया फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा लव यू ऑल टेक केयर